ठीक है बेटा, ये चैप्टर चल रहा था हमारा, चैप्टर नंबर थर्ड, सॉरी चैप्टर नंबर फोर, सत्ता के वैकल्पिक खेल। इसमें हमने आसियान समुदाय के बारे में पढ़ा, आसियान विजन 2020 के बारे में पढ़ा, भौगोलिक संगठन क्या, जो निर्मो सॉरी संगठनों का निर्माण करना या क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण करना क्यों किया जाता है, इनके उद्देश्यों के बारे में हमने इस पाठ में शुरुआत में पढ़ा। यूरोपीय संघ का परिचय पढ़ा, मतलब क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य पढ़ा, ये आपको होमवर्क में भी दिया जा चुका है। ठीक, मतलब फिर इसके बारे में पढ़ा कि मुल्कों में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, क्षेत्रीय संगठनों को बना करके जो है किस प्रकार आप अपने मुल्कों में शांति की स्थापना कर सकते हैं, इस बारे में पढ़ा। भारत और चीन के संबंधों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो है भारत चीन को मित्र मानता था, और लेकिन भारत की जो है ये सोच गलत निकली, चीन ने जो है फिर विश्वासघात कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कि हर जगह जो है भारत ने चीन का समर्थन किया, तिब्बत में भी जो है चीन के अधिकार को स्वीकार किया। तो इस तरह से जो है भारत ने हमेशा चीन के प्रति जो है एक मित्र की तरह जो है व्यवहार किया, लेकिन चीन ने जो है भारत के साथ जो है बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने जो है भारत पर आक्रमण भी किया। अब दलाई लामा को भारत में, जब भारत में शरण दी गई, उन्होंने कई लाखों तिब्बती लोग भारत आए, इसका भी उसने विरोध किया। इस तरह से जो है आज भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी जारी है। ठीक है बेटा, कई सारी चीजें जो है मतलब ऐसी है कि जो भारत ने चीन के पक्ष में बात की, लेकिन हमेशा चीन ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके लिए उन्हें 1962 में भी जो है भारत पर आक्रमण भी कर दिया। ठीक, तो इस तरह से जो है, और वर्तमान समय में भी जो है भारत और चीन के संबंध अत्यंत खराब है। आप देख ही रहे हैं, सीमा पे तनाव की बात फिर चल रही है, दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी खराब हुए हैं। एक दूसरे की जो कई सारी कंपनियां हैं, एप्स हैं, जिन पे जो है बैन लगा चुका है भारत में, भी क्या लगभग विश्व में अब चीन के खिलाफ ही चल रहा है, मुद्दा चला हुआ है, क्योंकि चीन से ये लगाया जा रहा है कि जो ये कोरोना वायरस यानी COVID-19 का जो फैलाने में योगदान है वो चीन का योगदान बताया जा रहा है, लेकिन चीन इसको नहीं मानता है। फिलहाल भारत और चीन के संबंध अत्यंत खराब है। भारत, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, मतलब एक युद्ध की स्थिति जो है पूरी तरह से बनी हुई है। अब बात आती है बेटा, यहाँ पे क्षेत्रीय संगठनों की बात आई, तो यहाँ पे जो है आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, ये एक ऐसा संगठन है बेटा जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने आपस में मिलकर बनाया है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। इनमें आज भी जो है राजनीतिक वातावरण लगभग अस्थिरता में है, स्थिर राजनीति जो है इनमें लगभग नहीं है, क्योंकि कभी भी तख्ता पलट होना, सरकार का गिर जाना, गृह युद्ध छिड़ जाना, इनकी आशंका जो है इनमें बनी हुई है। फिर यहाँ पे जो है कई कबीले हैं, कई सारे संगठन हैं जो राजनीति को जो है प्रभावित करते रहते हैं। तो इसलिए जो है, और सबसे ज्यादा जो सक्रिय देश है इस क्षेत्र में वो है चीन। इससे जो है सभी देश थोड़ा सा डरे हुए भी रहते हैं, चीन से नहीं, मतलब चीन की सक्रियता जो है ज्यादा बढ़ रही है। कहीं वो जो है युद्ध अभ्यास करने लगता है, समुद्री सीमाओं में जो है घुसने लगता है, तो इससे जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जो भी देश हैं ये उससे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि चीन एक साम्राज्यवादी देश है, बहुत ताकतवर देश है चीन, इससे जो है उनको मन में थोड़ी सी घबराहट रहती है। तो इसलिए जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन का निर्माण जो है, एक क्षेत्रीय संगठन है ये आसियान, तो इसमें जो है इन्होंने जब ये विचार किया कि भाई ये जब दक्षिण पूर्वी एशिया के देश अपने आप को जब कहने लगे कि यार हम कमजोर हैं, असुरक्षित हैं, तो इसकी जो है अपनी सुरक्षा जो है कैसे की जाए, तो इस तरह से जो है ये प्रश्न जो है लगभग सभी महाशक्तियों के सामने। अब होता क्या है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मुद्दा उठता है, देश अपने अपनी पक्ष रखते हैं वहां पे, तो फिर एक बात उठती है कि भाई इस क्षेत्र को जो है सुरक्षित कैसे किया जाए, चीन जैसी साम्राज्यवादी शक्ति से जो है इसका इनको कैसे बचाया जाए, यानी वो तो इन पे कब्जा करना चाहती है, अपना परमाणु
प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, तो इसलिए जो है यह प्रश्न सभी के सामने था। ऐसी स्थिति में जो है अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो है सुझाव दिया कि इस क्षेत्र की सुरक्षा करना जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी संपन्न देश हैं, उनका कर्तव्य है और सबको मिलकर के जो है इस क्षेत्र की रक्षा करनी हो। ठीक है बेटा, फिर क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपको, क्योंकि चीन जैसे किससे रक्षा करनी है, क्योंकि चीन जो है इसकी जो साम्राज्यवादी नीति है वो इस क्षेत्र को जो है हड़पने के चक्कर में है, इसीलिए ये देश डरे हुए हैं। तो बड़े देशों का फर्ज ये है कि इस क्षेत्र की रक्षा करें, और सबसे बढ़िया उपाय ये है कि एशियाई देशों को अपनी शक्ति में भी वृद्धि करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमेशा चीन हमेशा ये सोचता है कि मैं इन देशों पे जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लूं और यहाँ का शासन अपनी मर्जी से चलाऊं, लेकिन इसका सबसे जो है व्यवस्थित और सुरक्षित उपाय ये है कि जितने भी ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है इनको अपनी ताकत में बढ़ाना चाहिए और एक एशियाई देशों को जो है एक संगठन बनाना चाहिए। इसके खिलाफ चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ जो है एशियाई देश है एक संगठन का निर्माण करें, और इस प्रकार जो है 1967 यानी कि 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस इन देशों के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य संगठन आसियान का गठन किया गया 1967 में। कौन कौन से देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। ठीक है बेटा, फिर इसके उद्देश्य आज जो है उद्देश्य चलो ठीक है, आज म्यांमार अब सन 1900 वियतनाम और म्यांमार भी इसके सदस्य आज बन चुके हैं। ठीक है बेटा, कंबोडिया को भी सदस्य देने की पहल की गई है और आसियान के सदस्यों की संख्या 10 है इस समय जो है। इसमें 10 देश शामिल हैं, इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया की गणना इनमें हो जाती है। और ये जो एशियाई देश है, आसियान जो देश है, ये जो संगठन 10 देशों का है, ये भारत को जो है अपना सबसे परम मित्र मानते हैं, एक बहुत ही अच्छा सहयोगी देश भारत को ये मानते हैं। इसका जो सचिवालय है, मुख्यालय है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है बेटा, वर्तमान में इसके 25वें सम्मेलन हो चुके हैं और इसके उद्देश्य अब है आसियान के उद्देश्य किस उद्देश्य से जो है आसियान की स्थापना की गई। पहले ही बात होती थी कि मैं चीन जैसी शक्तियां जो है इस दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र को जो है हड़पना चाहती हैं, तो इसलिए जो है पहले ही कहा गया कि इन क्षेत्रों की जो है इन देशों को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। ताकत कब बढ़ाएंगे? जब ये एक हो जाएगी। तो इसीलिए जो है इसका उद्देश्य क्या है कि जो आसियान है दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं इनके बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, ताकि जो है इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। फिर है इन दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों जो आसियान देश हैं इनमें जो है आपसी भाईचारे की भावना का वातावरण तैयार करना, यानी कि एक ऐसा माहौल बनाना कि ताकि ये देश आपस में भाईचारे के रूप में रहे। ठीक है बेटा, फिर इन देशों के बीच एक मुक्त बाजार की स्थापना करना, यानी ऐसा बाजार जिसमें जो है कोई भी प्रतिबंध आयात निर्यात पे ना हो, ताकि जो है हर वस्तु जो है हर प्रत्येक देश को जो है आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ वस्तुओं की सूची बनाई है जिनको जो है व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत जिनको बोला गया कि भाई इन पे टैक्स कम है, ज्यादा है, जो भी, तो इस तरह से जो है ये खुला व्यापार की नीति को अपना करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते। ठीक है बेटा, ये तो हो गई दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन यानी आसियान का। अब देखो आसियान का जो है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है एक बार में, साल भर में होता है। ठीक, इसमें जो है इसकी जो भी परंपराएं हैं, जो भी इसके नियम हैं, उनपे विचार किया जाता है और अगली बैठक कहाँ होगी उस पर निर्णय किया जाता है। मतलब इसकी एक जो सचिव मंत्रियों का जो इसके जो भी सदस्य हैं उनका जो सम्मेलन वर्ष में जो है एक बार अवश्य होता है। फिर है स्थायी समिति। अब जो है जो आसियान की गतिविधियां हैं, जो इसके क्रियाकलाप हैं, उनको आयोजन करने के लिए जो भी उनका आयोजन होगा एक संस्था के रूप में स्थायी समिति बनाई गई। मतलब एक समिति का निर्माण किया गया आसियान के द्वारा, तो ये समिति क्या करती है
कि क्षेत्रीय सुधार व्यापार बढ़ाने पे सहयोग बढ़ाने पे जो है सुझाव देती है ठीक, और इनको जो है इस इनके संबंधों को जो है और अच्छा करने का भी प्रयास करती है। फिर सचिवालय है, पहले ही बोल दिया है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका सचिवालय है और इसमें जो है एक महासचिव है और प्रत्येक देशों में से जो है वर्णमाला के क्रम में जैसे ए बी सी डी, ए से जिस देश का नाम होगा उसी अनुसार जो है वो महासचिव की मतलब प्रत्येक सदस्य देश से जो है एक महासचिव जरूर चुना जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई राजनीति नहीं भाई, जब मेरा नंबर आएगा तो मुझे भी बनना है, मैं भारत से हूँ तो भारत बनेगा कोई, मतलब प्रत्येक देश को इसमें मौका मिलेगा, ये नहीं कि राजनीति हो रही है एक ही व्यक्ति लगातार बना हुआ है, नहीं ऐसा। ठीक, फिर बात आती है आसियान के बाद यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है एक ऐसा संघ है यानी कि बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है। ठीक, 11 दिसंबर 1991 को नीदरलैंड में एक राजनीतिक मौद्रिक एकता पर 12 देशों के 32 करोड़ लोगों को एक आर्थिक राजनीतिक और सैन्य गुट में एकत्रित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक सुदृढ़ एवं संयुक्त आवाज देने में सक्षम एक रूपरेखा तैयार करने की एक पहल की गई 1991। ठीक है बेटा, 12 यूरोपीय देशों ने मिलकर के जो है संस्था का निर्माण किया जिसमें जो है 32 करोड़ लोग जो है जिसके अंतर्गत आए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है इन्होंने सबसे पहले जो यूरोपीय संघ बना ये बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है यूरोप की। ठीक है बेटा, इसमें जो है यूरोप के संपन्न देश शामिल है। इसके बाद इन्होंने जो है जो भी निर्माण किया इस संधि में जो नीदरलैंड मैनचेस्टर में जो संधि हुई है इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले जो है मौद्रिक संघ बनाने की बात की गई कि भाई एक यूरोपीय संघ जो यूरोपीय समुदाय जो है एक मौद्रिक संघ की स्थापना करेगा। ठीक है बेटा, और हमेशा एक यूरोपीय समुदाय की एक मुद्रा जारी करेगा। जैसे यूरो के बारे में आपने सुना होगा तो यूरो कंट्रीज में जितने भी देश है उनकी एक संयुक्त मुद्रा है यूरो जो सब जगह प्रचलन में उनमें है। ठीक, दूसरा राजनीतिक संघ है। तीसरा जो है इसमें सहयोग और नीति निर्माण के नए नए क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है फिर राजनीतिक संघ यूरोपीय समुदाय सामान्य विदेश तथा सुरक्षा नीतियों का निर्माण करेगा और उनका पालन करेगा, मतलब जो भी है सुरक्षा से संबंधित जो विदेश नीतियां हैं उनका निर्माण कर लेगा यूरोपीय संघ जो है। और उसके अलावा सहयोग एवं नीति निर्धारण के नवीन क्षेत्र यूरोपीय संघ जो है बैठकों में सर्वसम्मत मतदान के प्रावधान के स्थान पर बहुमत द्वारा निर्णय लेने को स्वीकार किया गया है। यूरोपीय समुदाय शिक्षा जन स्वास्थ्य संस्कृति उपभोक्ता संरक्षण उद्योग अनुसंधान एवं विकास इन मामलों में सहयोग पर अपने प्रभाव में विस्तार करेगा। यानी कि जो भी सांस्कृतिक राजनीतिक जितनी भी समस्याएं हैं या कुछ भी ऐसी इनमें अगर कोई दिक्कत आती है रुकावट आती है तो इस पर भी जो है वो विचार करेगा। फिर यूरोपीय संघ ने जो है एक यूरोपीय संसद एवं कार्यकारी आयोग का भी गठन किया गया है जिसके सदस्यों की संख्या 518 है। ठीक है बेटा, फिर इस तरह से यूरोपीय समुदाय की नागरिकता की बात आती है तो यूरोपीय समुदाय के नागरिक यदि अपने देश की अपेक्षा किसी यूरोपीय समुदाय के देश में रहते होंगे तो उन्हें मतदान का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा। मतलब यूरोपीय संघ के अंदर के जितने भी देश हैं अगर मैं यहाँ हूँ मैं दूसरे देश में चला गया तो वहाँ पर मुझे जो है चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये यूरोपीय संघ के बारे में था। और अब आप क्षेत्रीय संगठन की बात करते हैं, संगठन के कार्य क्या होते हैं। पहले भी बात आई कि क्षेत्र में जो है आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए उनका आर्थिक विकास करने के लिए सांस्कृतिक विकास करने के लिए शैक्षिक विकास करने के लिए मतलब कहने का मतलब है कि ये देश जो आर्थिक जो क्षेत्रीय संगठन बनते हैं ये जो है मिल जुल करके समस्याओं को का समाधान करने के लिए जो क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्षेत्रीय संगठन है। तो आज के लिए इतना ही है, आप बने रहें।